तक फैलाई पावन ससे नमः सिद्धेभ्यः निर्मल जल सा मन है जिनका चंदन से है दिव्यवचन अक्षत सम अक्षत है श्रद्धा सुमनो सा सुंदर है तन नैवेद्य चरित्र जान है दीपक वसु विधि करते धूप दहन ध्यान सुफल है अर्घ समाधि मुनिवर तुमको नित्य नमन अनर्घ पद को पाने गुरुवर मेरा अर्घ समर्पित है एक जीवन क्या सौ सौ जीवन गुरुवर तुम्हें समर्पित है ऋषिवर तुम्हें समर्पित है देवादिदेव 1008 कैवल्य कमलापति श्री आदिनाथ भगवान की देवादिदेव 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की देवादिदेव 1008 वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की परम आचार्य प्रवर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की 3,09,00,000 मुनिराजों की धर्म स्नेही भव आत्माओ मुनिराजों के पास लोग अनेक प्रकार की भावनाएं लेकर के आते हैं और उनके अंदर भी ऐसी भावना होती है कि सबकी भावनाएं पूर्ण हो जाए क्योंकि अपनी भावनाओं में कमी क्यों रखी जाए। आपकी भावनाएं पूर्ण हो या ना हो ये तो आपके भाग्य के ऊपर है, आपके पुण्य के ऊपर है, लेकिन हम तो भावना यही भाएंगे कि आप सबकी भावनाएं जो सम्यक भावनाएं हैं, ऐसे नहीं कि कोई भी भावना पूर्ण हो जाए, जो आपकी सम्यक समीचीन भावनाएं हैं वो पूर्ण हो जाए। ऐसी भावनाएं हम सबको अपने अंदर रखना चाहिए और जिनके अंदर ये सम्यक भावनाएं रहती हैं उनका बहुत जल्दी भव का नाश हो जाता है। इसलिए आचार्य भगवंत बार बार कहते हैं भावना करो, भावना करो, भावनाएं भाव, जिससे हमारा चित्त भी निर्मल होता चला जाए। एक बार एक मुनिराज के पास 4 प्रकार के लोग आ गए, 4 प्रकार की भावना लेकर के। वह पहला ग्रुप आया और वह कहता है कि महाराज हमारा कार्य रुका हुआ है, कोई ऐसा मंत्र दे दो जिससे हमारे कार्य की सिद्धि हो जाए और श्रीफल चढ़ा करके
बैठ गए। दूसरा ग्रुप उठ करके आया और उनकी समस्या अलग थी। अच्छे दिन उनके चल नहीं रहे थे। महाराज ऐसा आशीर्वाद दे दो, अच्छे दिन आ जाएं, धन वृद्धि हो जाए हमारी, बहुत स्थिति ठीक नहीं है। ऐसी शास्त्रों में कथाएं आती हैं। महाराज से निवेदन करते, महाराज बहुत दरिद्र हूँ, आप कोई इस दरिद्रता को दूर करने का उपाय बताओ। तो महाराज भी करुणा करके वो उपाय बता दे, ये ऐसा ऐसा कर लेना, तुम्हारी दरिद्रता दूर हो जाए। और उसका पुनरुदय वहीं के वहीं आ गया और वहीं पर विद्याधर लोग बैठे थे, उससे कहते हैं ये चलो गुरुओं का भक्त है, गुरु की शरण में आया है, और उसको ले जाते हैं और अच्छे से उसका व्रत कराते हैं और वस्त्र आभूषण दे करके संपन्न करके हो जाता है। वो जाकर के फिर बैठ गए। तीसरा ग्रुप फिर आया, वह कहते हैं महाराज आपकी हमारे ऊपर कृपा हो जाए और हमारा भाग्य जाग जाए, और कुछ नहीं चाहिए, बस इतना ही चाहते। चौथे नंबर का ग्रुप आया और वह कहता है अपनी भावना लेकर के आया था, पदोन्नति चाहिए थी, उनके लिए हो नहीं रही थी। महाराज ऐसा सही बात दो, पदोन्नति हो जाए, पद की प्राप्ति हो जाए, और तो और कुछ तो ऐसे भी भावना लेकर के आ जाते हैं कि दोनों विपरीत भावनाएं और साथ साथ में श्रीफल चढ़ा रहे हैं। एक बार महाराज ने बताया था कि हमारे पास दो पार्टी आ गई, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी, और दोनों आशीर्वाद मांग रहे हैं विजय का। अब और दोनों साथ में हैं और कैसा आशीर्वाद दें, तो उन्होंने इस प्रकार का आशीर्वाद दिया और एक तरफ ये पार्टी खड़ी है और एक तरफ ये पार्टी खड़ी है, और दोनों को आशीर्वाद दिया सत्यमेव जयते, आप जीतो या जीतो ये नहीं, सत्य की विजय। अब चारों बैठ गए हैं और इंतजार कर रहे हैं कि महाराज हम लोगों का क्या करेंगे, समाधान करेंगे। और महाराज ने जब उपदेश दिया और एक श्लोक में ही उनका चारों का समाधान कर दिया। जो मंत्र मांगने आए थे उनसे कहा आपको मंत्र चाहिए है, और हमारे पास तो वो शक्ति है कि आपके लिए हम मंत्र नहीं परम मंत्र देंगे। बोलो मंत्र बड़ा है कि परम मंत्र बड़ा है? महाराज में परम शब्द ही जुड़ा है, मतलब सर्वश्रेष्ठ मंत्र है। तो आपको मंत्र चाहिए कि परम मंत्र चाहिए, बोलो है? दोनों परम मंत्र सर्वश्रेष्ठ है ना, ऐसा किसी लेखक ने कहा है कि बड़ा छोटा लक्ष्य रखना एक बड़ा अपराध है, छोटा लक्ष्य रखना एक बड़ा अपराध है। जब तीन लोग के नाथ हैं और हमारे लिए सबसे बड़ी वस्तु देने के लिए तैयार हैं,
तो छोटी वस्तु मांग करके घाटे का सौदा क्यों करते हो? बड़ी वस्तु मांगो, पर बार बार हमें किसी से कुछ मांगना ना पड़े, बार बार हाथ फैलाना ना पड़े। जब वो सामने वाले सब कुछ श्रेष्ठ वस्तु देने में समर्थ हैं, लेकिन बुद्धि नहीं होती हमारी उतनी, तो छोटी छोटी वस्तु मांग करके हम अपना घाटा कर लेते हैं। तो हम तुम्हारे लिए परम मंत्र देंगे। वो परम मंत्र क्या है दीजिए आप हमारे लिए? तो महाराज कहते हैं, विश्वासम परमम मंत्रम। विश्वास ही परम मंत्र है। हैं, ऐसा मंत्र सुना है आप लोगों ने? विश्वासम परमम मंत्रम। अगर आपका उस मंत्र के ऊपर विश्वास है, और मंत्र भी नहीं है, गुरुओं के वचन ही मंत्र के काम कर जाते, विश्वास होना चाहिए। मंत्र दिया गया ऐसे व्यक्ति को जो जिनेंद्र भगवान का भक्त है, और उन सेठ जी ने मंत्र दिया कि लो इसको सिद्ध कर लो और अकृत्रिम चैत्यालयों की वंदना करो, और विधि भी बता दी, उस विधि से कर लो, और वह विधि से वह कर रहा है, और ऊपर बैठकर करके नीचे देखता है तो नुकीले नुकीले शस्त्र रखे हुए हैं। अब बताओ, अगर नहीं सिद्ध हुआ तो क्या होगा? ऊपर नीचे हो रहा है, कार्य की सिद्धि नहीं हो रही, और ऐसा श्रेष्ठ मंत्र दिया गया है, लेकिन इतने में ही एक ऐसा जिसने कभी रमुकार मंत्र पढ़ा नहीं आ जाता है, दुष्णी है, पापी है, और पूछ लेता है कि ये मंत्र किसने दिया है, ये बता दो बस, ये मंत्र उन्होंने दिया है। अरे उन्होंने, उनकी प्रसिद्धि तो सर्वत्र है, वो सच्चे देव शास्त्र गुरु के भक्त है, दयालु हैं, सम्यक दृष्टि है, वो किसी का अहित नहीं कर सकते। अहो भाग्य सौभाग्य है अब हमारा, लाओ ये मंत्र मुझे दे दो। और मंत्र दिया, पढ़ना भी सीख गए, लेकिन जैसे ही उन लड़ियों को काटने के लिए तैयार हुए, और प्राकृत की भाषा थी वो थोड़ी सी मन से चित्त से, लेकिन श्रद्धा में कोई कमी नहीं, विश्वास में कोई कमी नहीं, और विश्वास के साथ उन लड़ियों को काट दिया और विद्या सिद्ध हो गई। और जब विद्या सिद्ध हुई तो अब विश्वास और कई गुणा बढ़ गया, और अब तो हमें क्या करना है? अब मुझे जब एक रमुकार मंत्र के माध्यम से ये सिद्ध हो गया कि कहीं भी ढाई दीप में हम जा सकते हैं, तो अब इस विद्या के माध्यम से हम सात राजू पर भी जा सकते हैं। ऐसी ये परम विद्या है, ये रमुकार मंत्र जिसमें सब कुछ पड़ा है। और जिसको रमुकार मंत्र ही नहीं आता हो, इतनी भी बुद्धि नहीं चलती हो, तो वो भी क्या संसार से पार हो सकता है क्या? हैं?
तो ऐसी भी कथाएं आचार्य भगवंतों ने रख दी शिवभूति महाराज की। रमुकार मंत्र के 5 पद और प्राकृत में इतने इतना छोपसम नहीं है उनका, बार बार याद करने पर भी भूल जाते थे कि क्या आपने कहा है। फिर भी हमारे गुरु महाराज जो हैं, उन गुरु महाराज के ऊपर हमारा पूरा श्रद्धा है कि हमारे गुरु महाराज हमारा कभी अहित नहीं कर। ऐसी भी घटनाएं हैं कि गुरु महाराज ने कह दिया कि जाओ वहां पर रास्ते में बामी मिलती है, बामी जानते हैं सांप जो वहां भयानक बिस्तर रहता है, उस बामी के बिल में अपना हाथ डाल देना, ठीक हो जाओगे। बोलो ये गुरु महाराज हैं कि क्या है? ये बामी विष की जहां विषधर रहता है, लेकिन गुरु महाराज ने कहा है और उस बामी में हाथ डाल देते हैं, सर्प उनको काट लेता है और जैसे ही सर्प काटता है और जो अंदर बीमारी थी उसकी इलाज यही था और वह व्यक्ति ठीक हो जाता है। आपको जितनी अपनी बीमारियां ठीक करना है तो सबसे पहले सच्चे गुरु के ऊपर ऐसा ही हमारा विश्वास होना चाहिए। शिवभूति महाराज को कह दिया कि चलो कुछ याद नहीं रहता, तुम जा रहे हो नगर में तो एक और छोटा सा सूत्र बना के आपके लिए दे देते हैं। मातुस मारुष, हाँ बस इतना ही ये पूरे समय सार का सार है, महीने भर की वाचना की जरूरत नहीं है। बस आप तो ये सूत्र रख लो, समय सार खोलने की भी आपको आवश्यकता नहीं है। आचार्य भगवंत ने समय सार के आगे एक अपना लेख दिया मानस तरंग, और उसमें एक पंक्ति उन्होंने ऐसी लिखी कि जो साधु अपनी शुद्ध आत्मा में लीन हो जाते हैं उनके लिए समय सार भी ग्रंथि का काम करता है।